नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा। जैसा कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा सिंगापुर स्टडी ट्रायल के लिए, पर मैं उस ट्रायल से अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि जो कोरोना वायरस है पहले हम इसको समझते हैं, ये क्या है, कैसे है, क्या रूप होता है इसका और ये कैसे ख़त्म होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, एज ए डॉक्टर उन लोगों से बात करी मैंने जिन्होंने जो कोरोना वायरस वॉरियर्स हैं और जो कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर, तो इसमें क्या स्टडी सामने आई है, ये कब तक खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले हम समझते हैं कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस क्या है कि ये एक ऐसा वायरस है जो हमारे इन्हलेशन रूट से जाता है, सांस लेने के मात्र से जाता है, टचिंग से जा सकता है, छूने से हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है, जैसे मुंह में हाथ चला गया, नाक निकला गया, आंख में चला गया, कान में डाल दिया, तो ये बॉडी से टचिंग से भी फैल सकता है। अगर कोई पेशेंट कोरोना वायरस से संक्रमित है, उसने खांस दिया, तो उसके जो एयर पार्टिकल्स हैं वो हवा में ट्रेवल करेंगे, कुछ समय तक हम उस एयर पार्टिकल से गुजर गए तो हमें हो सकता है, तो इसमें हमें मास्क पहनना है। अब इसका जो मेन ट्रीटमेंट है, जो हम बात करें, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपकी बॉडी ही इसको ठीक कर सकती है। और जो भी ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक है, भाई आपको जो भी सिम्टम्स आएंगे उनको ट्रीट करेंगे एज ए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल अभी तक नहीं हुआ है, जैसा कि कुछ लोग सोच रहे हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, एचआईवी एड्स की मेडिसिन और रेमडेसिविर, इबोला में यूज़ होने वाली मेडिसिन, ये सब हेल्प करेंगी। तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, 100% ट्रीटमेंट नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, मैं आपको एक चीज़ और ये बताने जा रहा हूँ कि ये वायरस ख़त्म कैसे होगा। जैसे मैंने बताया कि ये वायरस ख़त्म होगा, पर कब ख़त्म होगा किसी को नहीं पता, तो ये मैं बताता हूँ। ये वायरस क्या है कि पूरी सोसाइटी में फैलेगा। अब हम सोच रहे हैं इंडिया में 4,000 केस आ रहे हैं या 3,500 केस आ रहे हैं, तो क्या इतने ही केस पॉजिटिव हैं? नहीं, बिल्कुल गलत। इंडिया में लाखों से भी ज़्यादा पॉजिटिव हैं कोरोना वायरस के, अगर हम एक टाइम पे करें तो, क्योंकि टेस्ट हो ही नहीं पा रहे हैं, इतने टेस्ट होते ही नहीं है हिंदुस्तान में। आप देखोगे छोटे छोटे देशों में इंडिया से ज़्यादा पर डे के टेस्ट हो रहे हैं, पर इंडिया में टेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए कम नंबर सामने आ पा रहे हैं। हर किसी का थोड़ी टेस्ट हो रहा है, और जिस स्पीड से इंडिया टेस्ट कर रहा है कोरोना वायरस के लिए, उस स्पीड से अगर करेगा तो इसको 13 साल लग जाएंगे पूरी पॉपुलेशन का कोरोना टेस्ट करने के लिए, ठीक है? तो ये एक तो स्पीड कम है, नंबर ऑफ टेस्ट कम हो रहे हैं, ठीक है, तो ये कारण है जो हमें बता रहा है। पर अभी भी हम बात करें तो कम्युनिटी में लाखों से ज़्यादा पॉजिटिव है पर डे का बता रहा हूँ मैं, अगर हम टेस्ट अच्छे से करें तो। अब ये ख़त्म कब होगा तो मैं बता देता हूँ, इसका ख़त्म होने का कारण क्या है। जैसे कि कोरोना वायरस से कौन मर रहा है ज़्यादातर, 90% लोग कौन मर रहे हैं कोरोना वायरस होने के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा इसका मोर्टेलिटी रेट हर देश का अलग अलग है। मरने का रेशो 100 आदमी में कोई 3 आदमी मर रहे हैं किसी देश में, 4 आदमी मर रहे हैं किसी देश में, 2 आदमी मर रहे हैं किसी देश में, 9 आदमी मर रहे हैं 100 पे। अलग अलग देश का अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का मेडिकल ट्रीटमेंट अलग है, नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा हैं, तो कई तरीके इसकी वेरिएशन है। अब हम फिर वही बात कर रहे थे कि ये ख़त्म कब होगा, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें मर कौन रहा है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, जैसे किसी को डायबिटीज़ है एंड स्टेज के लिए, किसी को सीओपीडी है सांस लेने की तकलीफ थी, अस्थमा था, या किसी को ब्लड कैंसर था, या किसी को पहले से ही बहुत सारी बीमारियां हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर है, कोई एल्डरली एज है जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, कोई माल नरिश्ड है, तो ऐसे आदमी को जब कोरोना वायरस होता है तो उसके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मोर्टिलिटी रेट बहुत बढ़ जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो हेल्दी ह्यूमन है, जो यंग पेशेंट है, यंग मेल है जिसको कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, चाहे यंग गर्ल हो जिनको कुछ नहीं है, तो आप देखेंगे कि जब हम हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट्स को रखते हैं, उस केस में जो हेल्दी एडल्ट है उनको ना खांसी होती है, ना जुकाम होता है, ना बुखार होता है, कुछ नहीं होता। 15 दिन उनको आइसोलेशन में रखते हैं और 15 दिन के बाद वो घर जाते हैं आराम से बिना किसी सिम्टम के। पर जो ऑलरेडी किसी ना किसी बीमारी से सफर कर रहा है, चाहे वो जवान हो चाहे वो ओल्ड हो, कोई भी हो, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको खांसी होती है, बुखार होता है, जुकाम होती है, सर दर्द होता है, बहुत पसीना आता है, सांस फूलने लगती है, लंग्स फेल होने लगते हैं, धीरे धीरे सारे सिस्टम फेल होने लगते हैं, ठीक है, तो डेथ की तरफ वो बढ़ता है। तो ये समझ लीजिए जो कोरोना वायरस है वो जिस पर कोई बीमारी है उनको धकेल रहा है, मतलब दुनिया में वो छोड़नी पड़ रही है जिनको कोई बीमारी है, कोरोना वायरस हो जाता सबको नहीं, पर मैक्सिमम पेशेंट वही हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कैसे करें, तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए आप योगा करें, अच्छी एक्सरसाइज करें और कुछ विटामिन लें, हेल्दी विटामिन लेने से आप ठीक हो सकते हैं इसमें।
और अगर आप अच्छे विटामिन लेते तो आपको होगा भी नहीं। अब मैं आपको फाइनली ये बता देता हूँ, बार बार राउंड राउंड नहीं घुमाता हूँ, ये कोरोना वायरस कब खत्म होगा। तो मैं बता देता हूँ, ये जब कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इफेक्ट होगी इसमें, तो क्या होगा, ये हमारी बॉडी में एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगी, हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगी और एंटीबॉडीज डेवलप कर लेगी खुद ही इस वायरस के अगेंस्ट, और ये वायरस हमें हार्म नहीं कर पाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम इतना ग्रो कर जाएगा। वही इंडिविजुअल अर्थ पे या कंट्री में सर्वाइव करेंगे जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, जिनका वेरी पुअर होगा वो दुनिया छोड़ेंगे कोरोना वायरस से। आप बहुत सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर लें फिर भी उनका बचना मुश्किल होता है, क्योंकि वो अदर डिजीज के साथ कोरोना उनको बहुत हार्मफुल है, पर जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है। तो अब हम मान रहे हैं कि इंडिया में भी महीना दो महीना के अंदर सभी लोगों में ये इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी कोरोना वायरस के अगेंस्ट, कि वो सर्वाइव कर सकेंगे। और जब वैक्सीन आएगा तो वैक्सीन तो इसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट होगा ही, पर अभी आने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम पहले तो ये भी समझ लें कि